हरे कृष्णा। तो मैं 7:30 बजे पहुंचने वाला था यहाँ पे, और ट्रैफिक जाम के बारे में हमने कैलकुलेशन नहीं किया था। हमें लगा इतना चौड़ा रोड है तो पहुंच जाएंगे, जाम नहीं मिलेगा। तो जितना चौड़ा रोड हो रहा है उतना ही चौड़ा जाम हो रहा है ना। इसको कहते हैं माया, है माया। माया का अर्थ ये है कि हमको ऐसा लगेगा कि अगर हम रोड चौड़ा कर देंगे तो जाम खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचता है इंसान, जीव सोचता है कि रोड जाम का कारण क्या है, क्यों जाम हो रहा है। तो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स जो स्टडी करके, इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं शायद रोड चौड़ा नहीं है इसलिए जाम हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है, रोड चौड़ा कर देते हैं जाम खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन रोड जब चौड़ा किया जाम खत्म नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ खत्म, लेकिन टेम्पररी था वो। क्या था, टेम्पररी। वास्तव में रोड चौड़ा करने से जाम खत्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं माया। लगता है वहां पे जाने के बाद सुख मिलेगा, एक बार यहाँ पहुंच जाऊं फिर सुख मिलेगा, एक बार ये हो जाए तो सुख मिलेगा, है ना। ऐसे हम बचपन से सोचते हैं कि एक बार मैं 10th पास कर जाऊं फिर मस्ती। फिर उसके बाद 10th पास करते हैं 11th का सिलेबस आ जाता है, तो एक बार IIT में एडमिशन हो जाए फिर तो टेंशन फ्री, है ना। फिर IIT में एडमिशन होते हैं IIT का सिलेबस आ जाता है, एक बार IIT क्लियर हो जाए, एक बार नौकरी लग जाए फिर मजा ही मजा है। फिर नौकरी लग जाता है, लेकिन नौकरी लगते ही फिर डेडलाइन है ना, यू हैव टू मीट डेडलाइन है। जॉब प्रेशर, जॉब स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी है। फिर सोचता है इंसान एक बार विवाह हो जाए, शायद विवाह नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर विवाह हो जाता है ना। फिर इस प्रकार से अब देखो, फ्रॉम वूम टू टूम जर्नी में हम देखते हैं, हमको लगता है यहां पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर इंसान सोचता है शायद मेरे पास सफिशियंट पैसा नहीं है, इसलिए मैं एक बार मेरे पास जमा कर लूँ एक अमाउंट, उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कोई प्रेशर में काम नहीं करूंगा। फिर आराम से एक ना अपना एक फ्लैट होगा और वहाँ आराम से रहेंगे, है ना, और कोई प्रेशर नहीं रहेगा जॉब का, है ना। तब तक बुढ़ापा आ जाता है, जब तक अपना सारा होता है रेडी तब तक बुढ़ापा आ जाता है ना। अब बुढ़ापा आता है तो फिर अकेलापन आता है साथ में, बुढ़ापा के कोई साथ में नहीं रहता। संसार तभी तक पूछता है जब तक आपके पास क्या है, आप किसी काम के आदमी हैं। जैसे बूढ़ा बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या करते हैं जानते हैं? छोड़ देते हैं, कसाई को बेचते हैं। बैल नहीं छोड़ते, बैल तो रखते ही नहीं, बैल को बेच देते हैं कसाई के पास।
लास्ट में कुछ इनकम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से वृद्धावस्था जब आती है तो संसार ही त्याग देता है, है ना, संसार छोड़ देता है। इसलिए इंसान कुत्ते के साथ रहता है, है ना। क्यों इतने कुत्ते क्यों रखते लोग, गाय नहीं रखते, कुत्ता रखते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है उसके, है ना, मैंने कई बूढ़े लोगों को देखा है ना, वो दिन भर कुत्ता को खेल, कुत्ता के साथ ना लीला करते हैं। मैं अभी मॉरिशस गया था तो हम लोग नाइट में वॉकिंग कर रहे थे रोड पे, तो एक वृद्ध आदमी मिले आए और मेरे को प्रणाम किए और बोले, फिर वो बता, मैं पूछा आप क्या करते हैं, आप अब तो रिटायर हो चुके, आपका शेड्यूल क्या है। बोलते मैंने जिम्मेदारी लिया है इन कुत्तों का, जितने कुत्ते हैं सबको मैं बारी बारी से लेके जाता हूँ, उनको वॉक कराता हूँ, फिर उनको खिलाता हूँ, फिर नेक्स्ट कुत्ता, मेरे पास 5 कुत्ते हैं और उनमें झगड़ा हो जाता है कुत्तों में, तो मैं उनको सुलझाता हूँ। यस फैक्ट्स। मैं बोला थोड़ा भगवान का नाम भक्ति करो। बोले मैं भक्ति करूँ तो कुत्तों को कौन देखेगा। भगवान ने कुत्ते बनाए और उनको छोड़ दिया, हमको टेंशन होता है, हैं? Yes, it's a fact. लोग पूछते हैं मेरे से, प्रभु जी आपने संसार को कैसे छोड़ दिया, आपको दुख नहीं हुआ क्या, हैं? तो पूछते हैं संसार को आपको तो छोड़ना ही है, बस प्रश्न यही है कि कब। या तो आप संसार को छोड़ दो या एक दिन संसार आपको छोड़ देगा, बस इतना ही अंतर है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल को छुड़ाते हैं तो छूटता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है, चाकू लगा लगा के उसको एकदम, है कि नहीं। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो खोल ही छोड़ देता है उसको। उसका जो कवर हार्ड कवर होता है वो छोड़ देता है उसको। उसी तरह से जब वृद्धावस्था आती है बहुत अकेलापन महसूस होता है, बहुत अकेलापन। जापान में आप जानते कितने बूढ़े लोग हैं, वहाँ कोई देखभाल नहीं करता, इसलिए रोबोट बना रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है आईटी दिल्ली का, जापान में काम कर रहा है रोबोटिक्स में, बोला था प्रभु जी वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, वी आर डिजाइनिंग ए रोबोट जो बूढ़े लोगों की सेवा कर सके। बूढ़े को कैसे पैंट पहनाना है, कैसे उनका हेड शेविंग करना है, ये सब रोबोट करेगा, इंसान नहीं है। और संसार जो है एक दिन आपको छोड़ देगा, बढ़िया से जला उला के और राख और हड्डी सब ले जाके गंगा जी में विसर्जित करके, और तब बोलेगा अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिनिश, है ना। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इससे पहले कि संसार छोड़े हमको, बाइज्जत बरी हो जाइए, बेइज्जत करके बरी होइए या बाइज्जत बरी होइए, यही अंतर है। बेइज्जत होके होना है तो ठीक है, बाइज्जत हमसे सीखी है। सम्मान से ना, सम्मान भी मिलता है, भगवान की शरण में आ जाते हैं, सम्मान मिलता है। इसलिए वैदिक कल्चर बताता है क्या, पंचसो वर्धम वनम ब्रजेत, जब 50 ईयर्स हो जाए तो
तो कमंडल पकड़िए, निकल जाइए घर से, बाहर जाइए, इसे पहले कि निकाल दिया जाए। जापान में क्राइसिस बूढ़े लोगों को देखना। इंडिया आने वाले 20 साल में, अगले 20 साल में इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग होंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यंग लोग हैं, सबसे यंगेस्ट नेशन है, और 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट नेशन है ना। तो मैं उसी अभी से ही प्लान कर रहा हूँ कि बूढ़े लोगों को कैसे, या इतने बूढ़े होंगे बहुत स्कोप होगा प्रीचिंग का। यू सी ओल्ड एज इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल तो अपने बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, अपने बच्चे जिनको आप इतना मेहनत करके पढ़ाते हो लिखाते हो छोड़ देते हैं, और आपके पास कोई नहीं रहता, लोनलीनेस लोनलीनेस। और एक समय था जब हम यंग थे, हेयर स्टाइल बढ़िया था, अब बुढ़ापा में कितना भी बढ़िया आप हेयर स्टाइल बनाओ कोई नहीं देखता है, सही बता रहा हूं। और यंग एज में तो कैमरा ही पीछे लगा रहता है, अब देखो सिनेमा स्टार्स को, यंग एज में केवल कैमरा उनके पीछे रहता है, ओल्ड हो जाते हैं कोई नहीं पूछता, कोई अपने प्रोग्राम में बुलाता भी नहीं है, नाम आता है कि उसको बुलाया जाए क्या, नाम है ना, बोलते तो बूढ़ी हो गई है, अब उसको बुला के क्या होगा, पीपल थिंक लाइक दैट। क्यों, ये जितनी चीजें सब टेम्पररी है। जो लोग रूप को देखकर हमसे प्रेम करते हैं, जो लोग हमारे धन को देखकर हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे हैंडसमनेस को देखकर प्रेम करते हैं, जो हमारे हेयर स्टाइल को देखकर प्रेम करते हैं, वो एक दिन प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रूप खत्म हो जाएगा और हेयर ही खत्म हो जाएगा, स्टाइल कहाँ से रहेगा। तो प्रेम भी साथ में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट, यू वोंट बिलीव, दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। Doesn't matter how rich you are, लोग छोड़ देते हैं। इसलिए तस्य हेतु प्रेतित कोविदो, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं ये सब टेम्पररी है, माया 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 का ये बनाया हुआ संसार है, जो कुछ समय के लिए है। गुड़गांव जो है, आप अगर 50 साल पहले इस गुड़गांव में आते आप, तो आज जो दिख रहा है वो सब नहीं था, इट वॉज नॉट देयर, यस और नो, इट वॉज नॉट देयर। अब 50 साल बाद होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, स्वप्न, स्वप्न। सोने से पहले नहीं था, उठने के बाद भी नहीं होगा, बीच में थोड़ा दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। ये थोड़ा लंबा होगा, 100 साल का है ना, 100 साल का होगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। रोज हम लोग 6 घंटे का स्वप्न देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 18 घंटे सोए और 6 घंटे जागे, तो जो 6 घंटे में काम करेगा वो रात में उसको स्वप्न जैसा लगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि 18 घंटे जो है वो सो रहा है, तो सोते समय जगा हुआ याद आएगा उसको, उसको लगेगा वो स्वप्न तो नहीं था कहीं। ऑफिस में मैं स्वप्न में बहुत काम किया है, सोते हुए सोचेगा सर। 6 घंटे तो रोज हम लोग स्वप्न देखते हैं,
और उसी को बड़ा कर दीजिए, ये पूरा जीवन ही एक स्वप्न के समान है जो रियलिटी नहीं है। और यही समझने के लिए हमको मानव जीवन दिया गया है, टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू प्रिपेयर फॉर दिस, फॉर दिस मानव जीवन एंड ब्रेन। 12 kg का दिमाग ऊपर लाद के क्यों दिया भगवान ने, जानते हो हमारा दिमाग का कितना वजन है, कितना, 10-12 kg, तो क्यों फिट किया भगवान ने ऊपर, इसलिए ताकि हम इसको समझ सके। एक जानवर नहीं समझ सकता, एक पशु नहीं समझ सकता, उसको इतनी बुद्धि नहीं। एक बकरी काटी जा रही है और दूसरी बकरी बगल में बैठी घास खा रही है ना, और बकरी जो है उसकी आंखें हैं, वो चाहे तो देख सकती है कि मेरी सीनियर बकरी कट रही है ना, देख सकती है ना, और भागने की व्यवस्था सोच सकती है, लेकिन वो भागती नहीं है क्योंकि उसको लगता है आई एम सो लकी, इतना घास आज मिला है मेरे को, वो घास खाती रहती है, पता लग, उसको याद ही नहीं रहता कि अगली बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी चले गए, मोदी जी भी चले जाएंगे एकदम, यस। लेकिन वो बकरी सोचती है, प्लान बनाती रहती है, हरा हरा घास खाती रहती है, खुश लकी लक सेलिब्रेट करती है न्यू ईयर है। हर घंटे आप हर रोज एक दिन बिता, एक साल बिता, यू आर 1 year क्लोजर टू डेथ, यस और नो, इज इट अ मैटर टू सेलिब्रेट, नो, इट्स अ ग्रेट कंसर्न कि बस एक साल और कम हो गया, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, तैयारी करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। हम सोच सकते, बकरी नहीं सोच सकती, चलो कोई बात नहीं, वो बकरी है इसलिए उसको बकरी बोलते हैं, लेकिन हम तो सोच सकते हैं, समझ सकते, हम तो देख सकते हैं ना, लेकिन नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, क्यों, यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से, हे राजन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है बताइए, तो बोले आगरा का ताजमहल, ऐसे बोले युधिष्ठिर महाराज ने, ऐसा बोला या गीजा का पिरामिड, वंडर, 7 wonders, दिस इज नॉट वंडर, व्हाट इज वंडर, क्या है आश्चर्य। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन लोग देखते हैं कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे दादा मर गए, परदादा मर गए, परहैप्स फादर भी मर गए, लेकिन वो सोचता है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, प्लान बनाता है, वो नहीं सोचता कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, लेट मी प्रिपेयर फॉर दैट, तैयारी शुरू की जाए, नहीं सोचता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जितने देर में लेक्चर खत्म हो उतने में पूरी पृथ्वी में 6,000 लोग मर चुके होंगे, ऑल इन ड्यूरिंग दिस पीरियड 6,000 पीपल डाई एवरी डे, 1,50,000 पीपल डाई ऑन द अर्थ, उसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी तक, ओल्ड एज की कोई वैक्सीन है, है? नहीं है, कोई कवरेज होता है टीवी पे कि 1.5 lakh लोग मर गए आज, इट्स मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, लेट अस डू लॉकडाउन, तो करते हैं लॉकडाउन, 1.5 lakh लोग मरते हैं रोज, कोरोना 5,000-10,000 लोग रोज मर रहे थे, उसी में इतना हाहाकार मच गया, और रियलिटी है कि हर रोज 1.5 lakh लोग पृथ्वी पर मरते हैं,
और हम हाहाकार कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम बचाना चाहते हैं, हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं, कोई डिस्टेंस बनाने को तैयार नहीं है। 6 फीट दूरी मास्क है जरूरी है, वायरस से ट्रांसफर हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति टेस्ट भी नहीं करा पा रहे हैं सबका, क्योंकि टेस्ट किट खत्म हो चुका है, टेस्ट किट का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो पता चलेगा कि हाँ मेरी को माया की बीमारी है, माया का वैक्सीन नहीं बना, बन गया है वैक्सीन लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते, और हम सब मारे जाएंगे एक दिन। That's a fact, reality. We'll all have to leave one day. But where are you going to go after that? We do not know. This is the harsh reality of the life. बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो प्लानिंग करता है, फ्यूचर प्लानिंग। क्या फ्यूचर प्लानिंग? कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, कौन आएगा हमको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर, कौन से टर्मिनल पे हमारी फ्लाइट आएगी, कुछ पता किया आपने? नहीं पता किया। कंप्लीटली डार्क, यू डू नॉट नो एनीथिंग। उसी को समझने के लिए मनुष्य जीवन में है। ये जीवन के बारे में मत सोचो ज्यादा, ये तो बीत ही जाएगा, जब जन्म मिला है तो बीतेगा ही किसी न किसी तरह से, है कि नहीं? इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो चलेगा। आप मेहनत करो ना करो, जो आपकी किस्मत है मिलेगा ही, 100% गारंटी मिलेगा। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्र। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो सुख है वो जितना आपकी कोटा में है उतना आपको मिलेगा सुख, चाहे आप मेहनत करो चाहे ना करो, ये आएगा, सुख मिलेगा आपको। मेहनत करोगे तो हो सकता है कि ना मिले, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नेचर के कंट्रोल में आपको जितना मिलना है उतना मिलेगा, इट्स अ फैक्ट। जो इंटेलिजेंट है वो पास होगा, वो नंबर वन करेगा क्लास में, है कि नहीं? और जो भोंदू है वो फेल करेगा ही, उसको बनाया गया है, डिजाइन है। परिश्रम करके गधा घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा, और घोड़ा अगर कुछ ना भी करे तो घोड़ा ही रहेगा, घोड़ा गधा नहीं बन सकता, है कि नहीं? ये सब बोलिए, गलत बोल रहा हूं। जो कैपेसिटी घोड़े में दिया गया है वो उसकी रहेगी, चाहे वो मेहनत करे चाहे ना करे, एक्सरसाइज करे चाहे ना करे, लाइन लाइन ही रहेगा, चाहे मेहनत करे चाहे ना करे। समझ में आ रहा है? इंसान ही है जो ज्यादा टेंशन लेता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और आप देखो कि सबसे ज्यादा दिमाग भगवान ने इंसान को दिया, और सबसे ज्यादा दुखी इंसान ही रहता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि 500 कुत्तों ने सुसाइड कर दिया डिप्रेशन में जाकर, कभी सुने हैं? कभी नहीं होता ऐसा। उनको टेंशन नहीं होता कि कल खाना कहां से मिलेगा, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग नहीं करते, इसीलिए टेंशन नहीं रहता है। जितना प्लानिंग उतना टेंशन,
उतना टेंशन, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना भी समस्या को उत्पन्न करता है। भगवान ने हमको स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए बनाया है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए, मटेरियल अचीवमेंट के लिए नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मटेरियल के लिए कुछ नहीं करना है, भगवान सब व्यवस्था कर चुके हैं। जैसे आप सांस लेते हो, इसके लिए कितना टेंशन लेते हो? सांस लेने के लिए कोई से टेंशन लेते हो? नहीं। कैसे क्यों नहीं लेते? भगवान ने व्यवस्था किया है, क्या है ना, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सांस, है ना। आप सांस बिना 3 मिनट में मर जाओगे। अगर सांस की सप्लाई 3 मिनट बंद हो जाए, वाटर सप्लाई अगर 1-2 दिन नहीं भी आए तो चल जाएगा, पड़ोसी से लेके काम चला लेंगे। लेकिन सांस, हवा की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या करेंगे? कोरोना में आपने देखा, एक ट्रेलर ऑक्सीजन के बिना क्या हाल हो रहा था, चारों तरफ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सब लोग जप कर रहे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मीडिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन चैंटिंग हो रहा था। तब हमको लगा कि ऑक्सीजन का इतना वैल्यू है, और भगवान ने हमको बचपन से हमको फ्री में दे रहे हैं, हम कभी भगवान को याद नहीं करते, ठीक है नहीं। भगवान ने देखो जो हमारी आवश्यकता है उसको बनाया है, उसको दिया है, हमको फ्री में दिया है, पैसा नहीं लेते। आपसे भगवान ने पैसा लिया, ऐ सुबह से कितना लीटर पिया बता ऑक्सीजन, है एक दिन में कितना लीटर ऑक्सीजन पीते हैं हम लोग बताइए? बताइए, गूगल पे मिल जाएगा, आप टाइप करके देख लो और उसका पैसा काउंट कीजिए, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लीटर ऑक्सीजन का कितना कीमत है कोरोना के रेट से, कोरोना के रेट से, है? और उतना पैसा आप खुद यहाँ दान दे दो भगवान के मंदिर में, भगवान का इतना ऑक्सीजन पीते हो, बोलते बहुत दान ले रहे हैं आप लोग, कुछ दान नहीं ले रहे हैं, कुछ दान नहीं दे रहे हैं आप तो, कर्ज से आपका रोम रोम भरा हुआ है भगवान के कर्ज से, फ्री फोकट में ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसने दिया? अगर पूछ दें कि कौन बनाता है ये सब, किसने व्यवस्था किया ये सब, भगवान ने व्यवस्था किया। पानी है, पानी की व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। अगर बारिश ना हो तो हाहाकार मच जाएगा, बारिश कौन कराता है? भगवान की व्यवस्था से होता है। भोजन है, आलू कौन बनाता है? लेबोरेटरी में वैज्ञानिक बनाते हैं आलू, कौन बनाता है आलू बताइए? भगवान बनाते हैं। अगर सूर्य ना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, आलू बनेगा? भगवान की व्यवस्था से होता है। आप कुछ मत करो फिर भी आपको खाने पीने की व्यवस्था भगवान करते हैं। बीज किसने बनाया? हर चीज का बीज भगवान ने बनाया है कि नहीं? भगवान ने बीज बनाया, भगवान ने मिट्टी बनाई, बीज भी बनाया, मिट्टी भी बनाई, सूर्य भी बनाया, जल भी बनाया, बारिश भी बनाया, हमने क्या बनाया? पोल्यूशन, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूशन पोल्यूशन, और क्या बनाया हमने? हमने तो पोल्यूट किया उसको, है सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी अन्न देने लायक नहीं रही, ऐसी हालत हो गई मिट्टी की। तो देखो भगवान ने हर चीज व्यवस्था किया है, हमारे ऊपर नहीं छोड़ा है कि गुड़गांव वाले आएंगे और रिसर्च करके आलू बनाएंगे, है? छोड़ा है हमारे ऊपर, हमारे सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेंस के लिए जितना मिनिमम आवश्यक है उसकी व्यवस्था किया। देयर इज सफिशिएंट फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड।
नीड के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। आम आप तोड़ो खाओ और खाने के बाद गुठली फेंक दो, फेंक देंगे ना, क्या करें गुठली फेंक दो, आप फेंक दीजिए और बारिश होगी और उस गुठली से क्या निकलता है, अपने आप एक पेड़ निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब आपने देखा है कभी, कभी देखा है ये चीज है? बस घर में फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ तो मार्बल, मार्बल में क्या होगी। लेकिन भगवान की बनाई धरती पे कुछ नहीं करना है, खा के बस फेंकना है आपको, इतना काफी है, बाकी अपने आप उग जाएगा। आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ में गए आप लोग, हिल्स पे, माउंटेन्स पे, आप देखते कितने पेड़ होते हैं, कौन खेती करता है, कौन लगाता है उन पेड़ों को बताइए, कोई खाद डालता है, कोई जुताई करता है खेत की, कोई नहीं करता, बस कोई काटता नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो अपने आप उग रहा है उसको काटो मत, जहां मिट्टी हो वहां मिट्टी रखने दो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग और मार्बल और ये सब बना के उसको खत्म मत करो। एंड देन यू सी नेचर प्रोड्यूसेस एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस, हर चीज नेचर में प्रोड्यूस कराए, जो जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, तो आप कुछ मत करो, बस बीज फेंक दो, फेंको भी मत, अपने आप गिर जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना है बस, बहुत ज्यादा टेक्निकल इतना जरूरत नहीं है। एंड देन नेचुरली नेचर इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, आप एक बीज लौकी का लगा दो और पौधे को चढ़ा दो छत पर, अब देखो इतने लंबे लंबे सैकड़ों लौकी आएगा उस पर, आपको क्या करना है, खाना है तोड़ के, इज नॉट टेक्नोलॉजी, भगवान टेक्नोलॉजी बनाया कि नहीं बनाया। अब गाय देखो ऐसा मशीन बनाया, इधर से घास डालो उधर से दूध निकलता है, इज नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। आप कोई साइंटिस्ट को बोलो कोई मशीन बना दे कि घास डालने से दूध निकलेगा, बना पाएंगे वैज्ञानिक मशीन, कितना दिमाग चाहिए है, बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो भी ऐसी मशीन, मरने से पहले चार पांच मशीन देखी जाएगी, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, और टोटली बायोडिग्रेडेबल, कोई वेस्ट नहीं बचेगा। अभी वेस्ट मैनेजमेंट बहुत टेंशन चल रहा है कि ई वेस्ट कहां पे डिस्पोज होगा है, इसी द गॉड्स टेक्नोलॉजी। वो मर जाता है, पांच तत्वों से मिलके बना है, पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, एक एक भी वेस्ट नहीं बचता है, वन ग्राम भी वेस्ट नहीं बचता है। दिस इज गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स टेक्नोलॉजी। भगवान ने हमारे ऊपर नहीं छोड़ा है, भगवान कहते हैं शांति से बैठ के माला कर, जितना करेगा उतना प्रॉब्लम करेगा तू, बेहतर कुछ मत कर, चुपचाप बैठ। हैं? दो तरह के लोग होते, एक लेजी फूल और एक एक्टिव फूल, तो दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है, लेजी फूल या एक्टिव फूल? एक्टिव फूल ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक तो मूर्ख नंबर वन है और दूसरा एक्टिव, वो सोता रहे कुंभकर्ण की तरह तो ही अच्छा है, क्योंकि इसलिए ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान दिया ना? कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहा था, सारे देवता लोग बड़े परेशान थे कि अगर ये वरदान मिल गया इसको, ये जीवित रहा तो ही सब खत्म कर देगा, ऊपर से इसको वरदान मिल जाएगा तो क्या करेगा, इतना खाता था वो। तो जब तपस्या उसकी पूरी हुई, ब्रह्मा जी के वरदान देने का समय आया, तो उसने कुंभकर्ण ने पहले से प्लानिंग कर रखा था, सोच रखा था कि जैसे ब्रह्मा जी वरदान मांग लेंगे, बोलेंगे मैं इंद्रासन मांग लूंगा, इंद्र का आसन, सिंहासन। तो ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, तो वो बोलने वाला था, देवता लोग टेंशन में कि अगर ये मांग लिया तो क्या होगा। माता सरस्वती को बोला थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कराइए,
तो आई एन डी आर ए का मतलब एन आई हो गया उसका गलती से, एन आई डी आर ए हो गया निद्रासन, गलती से निद्रासन बोल दिया उसने और तुरंत ब्रह्मा जी ने बोले तथास्तु। उसको टाइम नहीं दिया सोचने का और निद्रासन मिल गया और वो सोने लगा ब्रह्मा जी क्या हो गया, गलती से निकल गया, अब करेक्ट कर दिया ब्रह्मा जी, अब क्या हो सकता है, अब तो दे दिया। रावण रोने लगा बोला प्रभु 10,000 साल तक तपस्या किया कुछ तो दया कीजिए। बोलेंगे अगर इस पे दया किया तो बाकी को मरना पड़ेगा है? तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है चलो एक दिन के लिए जागेगा, 6 महीने तक सोएगा, फिर एक दिन के लिए जाएगा, फिर 6 महीने सोएगा, एक दिन का रिबेट दिया उसको डिस्काउंट। तो अच्छा किया ना, मूर्ख आदमी डेंजरस आदमी सोता रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। लोग बोलते हैं आप लोग हरे कृष्ण वाले क्या करते हो, दिन भर बैठ के माला करते हो, बोले बहुत अच्छा करते हैं, इसके अलावा कुछ करेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, बेहतर है बैठ के माला करो, शास्त्र पढ़ो, कुछ अच्छा इंसान बनोगे है? कम से कम पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं ये सर, कम से कम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जानते हैं कुछ ना करना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको बहुत कम लोग समझते हैं। कम से कम जेल तो नहीं जा रहे हैं, कम से कम रेप तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम मर्डर तो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम से कम सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम से कम ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, इज नॉट कंट्रीब्यूशन, इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। मूर्ख लोग नहीं देख सकते इस कंट्रीब्यूशन को, उनको लगता है कि वही बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, काम करते करते पृथ्वी को नरक बना दिया है? अब बोलते हैं अब हम चांद पे जा रहे हैं, किस लिए, चांद को भी नरक बना दिया, पृथ्वी पे प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो कौन सा प्रोजेक्ट सर, वही मेकिंग हेल आउट ऑफ अर्थ, and that is completed now, earth is fully hell now, it cannot survive here, itni pollution naak mein ja rahi hai, global warming, climatic change, environmental problem, so many problem, isliye shastra bataya hai baitho mana karo bhagavat padho pehle insaan bano phir kuch karna hai। शैतान क्या करेगा, बर्बादी लाएगा, जिसका अपने मन और इंद्रियों पे बस नहीं है तो क्या करेगा कंट्रीब्यूशन। मेरी बात को बुरा मत मानना, बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, और आप जब दिमाग से सोचोगे तब समझ पाओगे कि क्या बताया जा रहा है, आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, हम सब बेकार हैं, बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं। आज संसार की स्थिति आप देखो, इतने सारे परमाणु बम बनाए हैं, क्या क्या फायदा उसका, उसका क्या फायदा, यूक्रेन पे जो चल रहा है मिसाइल चल रही हैं, उससे क्या हो रहा है, आबादी हो रहा है या बर्बादी। तो ये ना ही बनता तो अच्छा था ना, ये सब तो मूर्ख आदमी क्या करेगा, उसको कुछ प्रोजेक्ट चाहिए करने के लिए, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो यही सब बनाएगा, बम बनाएगा, मिसाइल बनाएगा, बंदूक बनाएगा, चाकू बनाएगा, मर्डर करेगा और क्या करेगा, इससे बढ़िया सबको माला पकड़ा दो, उसमें फंस जाएगा, दिमाग शांत रहेगा। नहीं तो देखो क्या स्थिति है संसार की, किधर जा रहा है संसार। तो भगवान कहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले अपने आप को बनाओ, ये सब छोड़ो, पहले अपने आप को बनाओ, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, इसलिए आए, बाकी सब ईश्वर कर रहे हैं, पेड़ जो उग रहा है अपने आप उगेगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम लोग का जन्म होता है, देखो हम अपने आप बड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं कि नहीं है? हमारा आँख नाक कान सब भगवान बनाते हैं, ब्रेन भगवान बनाते हैं, है कि नहीं, हाथ भगवान ने बनाया,
ये सब बनाकर उन्होंने दे दिया मशीन आपको, करना क्या है, सारा सिस्टम उन्होंने बनाया, आंख आपको बना के दिया दिया ना, रात बनाया, रात में जो है नाइट लैंप लगाया चांद के रूप में, लगाया कि नहीं लगाया, और चांद देखो उसमें नाइट लैंप, परफेक्ट नाइट लैंप है, कैसे उससे रोशनी आती है लेकिन हीट नहीं आता है, आपने देखा मून से क्या आता है, रोशनी आती है और लेकिन उसे हीट नहीं आता है, दैट इज कृष्ण गॉड्स क्रिएशन, रात बनाई और बोला कि रात में सो जाओ टाइम पे, हम लोगों ने बल्ब जला दिया, रात में भी काम कराएंगे, थ्री शिफ्ट में काम करो, अब नाइट ड्यूटी हो रही है, क्या जरूरत है यार, आराम से सो, रात हो गई सो जाके, हमने बहुत बड़ा आविष्कार हो गया, बल्ब बन गया, कुछ आविष्कार नहीं हुआ, बहुत बेकार का आविष्कार हुआ है, लोग सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, रात रात भर भूत प्रेत की तरह घूमते रहते हैं, जो रात में जागता है उसको निशाचर बोलते हैं, आप जानते हैं, रात बनाया गया किस लिए, सोने के लिए, दिन बनाया गया है काम करने के लिए, काम करो सुबह शाम नाम करो और दिन में काम करो, है कि नहीं, अभी क्या है 12-12 घंटे 13-13 घंटे 18-18 घंटे काम करना, क्या करोगे भैया इतना पैसा का, पेट नहीं भरता कितना भी आ जाए, इसलिए मानव जाति आज देखो बहुत दुखी है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, और दिमाग लगाने के बाद भी कुछ फायदा उल्टे नुकसान हो रहा है, और ये सारा चीज जो हो रहा है ऑल बैड थिंग्स आर हैपनिंग विथ गुड इंटेंशन, दैट इज द प्रॉब्लम, ऑल बैड थिंग्स आर हैपनिंग विथ गुड इंटेंशन, तो बोलते मेरा इंटेंशन तो सही था, और सही इंटेंशन से सारा गड़बड़ काम कर रहा है, आप वैज्ञानिक से पूछो आपने बॉम्ब क्यों बनाया, बोले विथ गुड इंटेंशन, हमारा इंटेंशन सही था, उसका मिसयूज हो रहा है, तो आपको इतना इंटेंशन नहीं था कि इसका मिसयूज हो सकता है क्यों बनाने का, आप विज्ञान हो, आपकी इतना दिमाग है कि आप बम बना सकते हो, इतना दिमाग नहीं है सोचने का कि फ्यूचर में इसका मिसयूज हो सकता है, वाई टू मेक समथिंग विच कैन बी मिसयूज, वाई टू मेक, आज जो बॉम्ब है मिसाइल से सब जो बना हुआ है, जितने मशीन गन ये AK-47 कौन यूज करता है, टेररिस्ट यूज करते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं टेररिस्ट के हाथ में, क्या जरूरत था बनाने का, नहीं था तो ज्यादा अच्छा था, कोई आदमी किसी को मारेगा तो 4-5 डंडे मारेगा, डंडा से मारेगा तो फिर फूटेगा तो इलाज, अभी तो बंदूक से मारता है 1 सेकंड में हजारों गोलियां निकल जाती है, ऐसी ऐसी मशीन बनने की क्या जरूरत है बताओ, क्या जरूरत क्या है, फालतू का टाइम वेस्ट, क्योंकि जीवन का कोई मिशन नहीं है, विजन नहीं है, भक्त लोगों के जीवन का मिशन, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करने के लिए बनाया गया है, मनुष्य जीवन इसके लिए दिया गया है, उसमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए 8 घंटे भक्ति करो, 8 घंटे जॉब करो और 8 घंटे अपने हेल्थ का ध्यान रखो, इसके लिए भगवान ने 24 घंटे बनाए, काम करो 8 घंटे कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे भक्ति करो, 8 घंटे शरीर पे दो, और कोई चौथा चीज है लाइफ में, और कुछ नहीं, कितने लोग 8 घंटे भक्ति करते हैं, नहीं करते हैं। कुत्ते के साथ टाइम बिताएंगे, कुत्ता बुढ़ापे में चलो छुट्टी मिलता है, रिटायर हो जाते तो कम से कम भगवान की पूजा करो, वो भी नहीं, कुत्ता लेकर बैठ जाएंगे, कुत्ते की दुम सीधी करेंगे, कुत्ते की सेवा करेंगे और फिर कुत्ते के लोक में जाएंगे, मरने के बाद कुत्ता बनेंगे, भाई अगर आप भगवान कहते हैं कि
यम यम वापी स्मरण भुआ भाव तो तेजती अंत कलेवरम तम तम इवैति कौन थे सदा तद्भाव भावित कि मरते समय जिसका याद करोगे वह उसी का अगला जन्म मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है और मरते समय अपने कुत्ते को याद करता है तो नेक्स्ट श्योर है कि अगला जन्म में कुत्ता बनेगा, उसको कोई पालेगा। तो कुत्ते बनने के लिए थोड़ा मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है भगवान के धाम जाने के लिए। एक दिन हमारा एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है जानता है, इसलिए चार आश्रम बनाए। गृहस्थ आश्रम के बाद हमें अंतिम जो आश्रम है उसमें हमें पूरा संसार को त्याग कर जीवन के परम लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम जाए इसके लिए, और वो उसके लिए हम अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, अचानक नहीं होगा ना। अभी देखो लोग एक 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 यंग लड़का था वो ब्रह्मचारी बन गया मंदिर में, उसके पिताजी आ गए प्रभुपाद जी से बोले स्वामी जी आप हमारे बच्चे को ब्रह्मचारी बना दिए, ये कोई उम्र है सन्यास लेने की है, अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, आपने इसको संसार छोड़वा दिया। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब सब कुछ छोड़ा जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले गुड आइडिया, ऐसा करते हैं आप आ जाओ इसको छोड़ दो, इज इट ओके। आप बूढ़े हुए हो कि नहीं हुए हो, तो बोला सोच के बताता हूँ, चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद फोन आया बेटे को ही रख लो वही ठीक है। कितने बूढ़े लोग आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे बताओ कितने। चलो यंग एज में आप संसारिक ड्यूटी निभाते हो, जब बूढ़े हो गए 50 साल से उसके बाद क्या, मृत्यु आने का समय आ गया, तैयारी करो जाने की तैयारी, वाइंडिंग शुरू करो। तो पंचसो वर्धन ब्रह्म प्रजेत, इसलिए वैदिक कल्चर में 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को पूरा फोकस करना चाहिए कैसे हम इस संसार से बाइज्जत भरी, और उसके लिए क्या करना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, यानी कि पूरा जीवन जब तक सांस तब तक आस लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, नहीं चाबी पकड़ाओ बच्चों को, आप पकड़ो ये लो आप क्या करोगे हम जा रहे हैं, बच्चे भी खुश होंगे कम से कम चाबी आया हाथ में, आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे है ना, खुश होंगे वो कम से कम चाबी आया तो, नहीं तो रोज मनाएंगे कब ये मरेगा बुड्ढा कब कंट्रोल आएगा मेरे हाथ में, ऐसा क्या है उनको दो, आप क्या करेंगे हम भजन करेंगे, बच्चे बहुत सम्मान देंगे आपको, आप देखना इंटरफेयर करना छोड़ दो दे उनको आप लोग संभालो है ना, और आप भक्ति करो भजन करो आपको सम्मान मिलेगा घर से है ना, और घर से मिले या ना मिले संतों से सम्मान मिलेगा, भगवान आपको कृपा देंगे आपके ऊपर। देखो मृत्यु हमारा जो है एक गौरवशाली मृत्यु होगा, गांधी जी ने पूरे देश के लिए अपना जीवन दिया, लास्ट में उसी देश के व्यक्ति ने गोली मार दी है कि नहीं, पूरा जीवन आधा धोती पहन के रहते थे। इसलिए भगवान हमारे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग इस दुख में संसार में लंबे समय तक ना रहे, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको मनुष्य जीवन दिया है अब तुम भक्ति करो और भक्ति करके मुझसे प्रेम विकसित करो और मृत्यु के समय मेरा स्मरण करके मेरे धाम वापस आ जाओ, वन कम बैक अगेन। मृत्यु को रोकना है तो एक ही उपाय है क्या बताइए, दोबारा जन्म मत ले, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को अगर जन्म हो गया तो मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मृत्यु को अगर रोकना है तो क्या रोकना पड़ेगा, जन्म को रोकना पड़ेगा। इसीलिए गीता में कभी भगवान ये नहीं बोलते कि तुम मृत्यु को नहीं प्राप्त करोगे, हमेशा बोलते पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा तुम्हारा,
जन्म नहीं होगा तुम्हारा। तो जन्म के ऊपर फोकस करो कि दोबारा जन्म ना हो, क्योंकि एक बार जन्म हो गया तो मृत्यु तो निश्चित होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे आप राजा हैं, चाहे आप भिखारी हैं, सब बड़े बड़े बादशाह आए संसार में, पूरे संसार पर राज्य किया, विश्व विजेता कहलाए, कहाँ है अब चले गए। उनका बड़ा आलिशान खंडहर आज कबूतर उड़ते हैं उसमें, आप जाके देखो लाल किला में कबूतर उड़ते हैं, आप जाके देखो इतने बड़े बड़े पैलेस दिल्ली में बने हुए थे, सब खंडहर बने हुए नहीं, बने हुए खंडहर। एक समय वहां पे आलिशान है ना नृत्यांगनाएं नाचती थी, है ना वैभव विलास और सब प्रकार के एंजॉयमेंट होता था, आज देखो सब खंडहर पड़ा हुआ। वहां पे कोई दिया जलाने भी नहीं जाता है, संध्या टेम्पररी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है कि इस संसार में जब तक है भक्ति करे, ताकि मृत्यु के बाद दोबारा इस संसार में जन्म ना हो। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या प्रश्न, क्या प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण, यस गुरु का तो बहुत सारा आज्ञा है, सब आज्ञा फॉलो करते हैं। आज्ञा ठीक है, आज्ञा से ज्यादा जरूरी क्या है, उनका गोल क्या है, क्यों आज्ञा दे रहे हैं, अल्टीमेट पर्पस क्या है। अगर वो गोल ठीक है तो देन एवरीथिंग इज फाइन, लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो गुरु कह रहे हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप वर्काहोलिक बन जाओ। नेचुरली आपके अंदर जितना टैलेंट एबिलिटी है उतना काम आप करो, दैट्स ऑल। वो एनीवे आप करोगे। आप अगर जैसे मैं, मेरा नेचुरल, मेरी किस्मत में था कि मैं बड़ा बड़ा काम करूंगा। मैं पढ़ाई करता, आज किसी कंपनी में होता तो बहुत लोगों को परेशान करता, अब यहां आ गया तो परेशान कर रहा हूं। मैं कहीं भी रहूंगा, मेरी किस्मत में है परेशान कर तो मैं करूंगा। मेरी किस्मत में है कि कुछ करना है तो करूंगा, मैं, मेरा नेचर है वो मैं करूंगा। मैं दिमाग वाला आदमी हूं तो यहां भी आके दिमाग लगाऊंगा, है कि नहीं। जो दिमाग वाला आदमी होता है वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा तो वहां दिमाग लगाएगा, और अगर इधर आ जाएगा तो दिमाग लगाएगा, चाहे आप उसको बोलो करने लगाने के लिए ना, वो तो लगाएगा, उसे है तो लगाएगा। तो वही करने के लिए गुरु महाराज बोलते हैं, है ना, कि आपको जितना दिमाग है एनीवे आप लगाओगे, तो क्यों ना अच्छे पर्पस के लिए लगाओ। अर्जुन को भगवान यही बोल रहे हैं कि लड़ाई तो करना ही है आपको। आप बोल रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाऊंगा, वो आपसे नहीं होने वाला। आप क्षत्रिय हो, आपको काम तो करना ही है, क्योंकि आपका स्वभाव भगवान ने वैसा बनाया है। तो उतना करो जितना बनाएगा। डोंट ट्राई टू थिंक दैट इफ आई डू समथिंग एक्स्ट्रा, 5 घंटे ज्यादा करूंगा तो कुछ ज्यादा प्राप्त करूंगा, वो चीज मना किया गया, उसके बारे में बात कर रहा है। आई इज नॉट सेइंग दैट यू डोंट डू एनीथिंग। हाथ है तो किस लिए बनाया गया, कुछ करने के लिए बनाया, कुछ करो, लेकिन डोंट टेक ओवर एंजाइटी, ओवर एंडेवर, प्रयास जिसको बोलते हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, प्रयास मत करो। प्रयास मतलब क्या, ओवर एंडेवर, क्या ओवर एंडेवर, डू यू नो व्हाट इज ओवर एंडेवर, है। तो नेचुरली आपको जितना बताया गया उतना आप करिए। ओवर एंडेवर, ओवर एम्बिशियस, है, देखिए इसको कहते ओवर इंडिया, जो ज्यादा आवाज आ रहा है,
बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं? तो जितना चाहिए उतना आवाज करो ना, शांति रहेगी, है ना। कैपेसिटी अगर आपकी है 10 kg लोड उठाने की और आप जो है एम्बिशन रखे हुए 50 kg उठाऊंगा, क्या होगा? 50 kg पर डालेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस मतलब क्या होता है? एरिया डिवाइडेड लोड डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, एफ बाई ए, दैट इज स्ट्रेस। तो लोड जो है वो ज्यादा ले लिया और कैपेसिटी कम है तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। ये तो स्ट्रेस है, डिप्रेशन यहीं से तो आता है। तो जितना कैपेसिटी है उतना लोड लोगे तो आराम से रहोगे, उतना ही लो जितने के लिए हमको भगवान ने बनाया है। अगर आप ज्यादा लोगे तो क्या होगा? बाद में चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 lakh rupees है, आपको 1 महीने में उसको खर्च करना है, आप चाहे तो पहले 5 दिन में खर्च कर दीजिए, खूब खर्च कीजिए, तो अंतिम के 25 दिन में क्या करना पड़ेगा? तंगी, तंगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 lakh ही है आपका। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बराबर बराबर खर्च करता है, है ना। उसी तरह से हमको भगवान ने क्षमता जितना दी उतना काम करो। डोंट थिंक दैट इफ आई स्ट्रेच टू मच आई विल अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज फुलिशनेस। बैलेंस, क्या बैलेंस्ड वे में रहो, बैलेंस लीड्स टू ग्रोथ एंड हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट ओनली ग्रोथ बट sustainable growth. We are talking about too much about sustainability. Now it is, earlier they were talking about growth. Now they are talking about sustainable growth. So what is the difference between growth and sustainable growth? Growth can be eccentric. आज आप grow किए, 5 साल के बाद सब खत्म। और balance अगर आप करके चलेंगे, जस्ट लाइक लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो कर रहे हैं, मटेरियली ग्रो कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आपका ग्रोथ हो रहा है लेकिन क्या फुलसम ग्रोथ नहीं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं डेवलप करोगे तो आपका माइंड जो है आपको नरक में लेके जाएगा। इसलिए आप देखो लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी दुखी रहते हैं, फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, पैसे होने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बैलेंस ग्रोथ नहीं है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। ये नहीं कि केवल वर्काहोलिक बन जाइए और फिर बोलिए प्रभु जी सेमिनार दीजिए, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाउ टू बैलेंस, जरूरत क्या है इतना हाय हाय करने का? है जीवन में लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना या खुश रहना? तो खुश रहो ना, पैसा पीछे क्यों पागल? पैसा जरूरी है लेकिन लक्ष्य नहीं है। मनी इज द इम्पोर्टेंट इन लाइफ और नॉट द गोल ऑफ लाइफ, है कि नहीं? जस्ट लाइक ब्रश करना इम्पोर्टेंट है लाइफ, है कि नहीं, बट दैट इज नॉट द गोल। आप जिससे पूछते हो कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, क्या बोलते हैं? ब्रश करना बोलता है कोई नहीं। ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट, बट दैट इज नॉट द गोल। उसी तरह से मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट नॉट द गोल ऑफ लाइफ। If you make earning money the goal of life, your life will become hellish. नरक बन जाएगा आपका जीवन। इसी कथा है श्रीमद् भागवत में, अवंती ब्राह्मण की कथा थी। इतना पैसा कमाया उसने, एक पैसा भी नहीं देता था परिवार वालों को, कंजूस था। पैसा उसने खूब कमाया लेकिन घर वालों को देता नहीं, फिर सारे उसके खिलाफ थे, इंतजार कर रहे थे कब मरेगा। एक भी रिलेशन उसका ठीक नहीं रहा, पैसा कमाने के चक्कर में उसने सारे रिलेशंस खराब कर दिए लाइफ में। और बता
श्रीमद् भागवत में बताता है कि जिसके पास पैसा आता है उसकी लाइफ में 15 समस्याएं आती हैं। कितनी कितनी? 15। और लिस्ट चाहिए तो आप श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का 23वां अध्याय पढ़िए, उसमें बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ये 15 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी जैसे ही पैसा जरूरत से ज्यादा आएगा। जहां पैसा आता है वहां पे चोर आते हैं, आप जानते हैं? जहां गुड़ होगा वहां कौन आएगा? चींटी आएगी। जो जिसका फेवरेट है वही तो आएगा आपके पास। तो आपके लाइफ में ऐसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे जो उस पैसे के पीछे आएंगे, आपको आपके पीछे नहीं, उस पैसे के। और मेरे पास अगर कोई आएगा तो पैसे के लिए थोड़े आएगा, बोले प्रभु जी तो खुद ही ठंडर गोपाल हमको क्या देंगे, इसलिए यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। और अगर आएगा भी तो फिर दोबारा नहीं आएगा, बोले कुछ मिलने लगा ही नहीं, है ना। तो वही लोग आएंगे जो प्रेम करना चाहते हैं, पैसे बिजनेस के लिए लोग नहीं आएंगे हमारे पास। अरे तो आप देखो रिलेशनशिप में भी बिजनेस चलता है कि नहीं? तो पैसा पैसा पैसा, जैसे सब्जी में नमक जरूरी है ना, नमक कितना इम्पोर्टेंट, अगर नमक ना डालो तो सब्जी कैसा लगेगी, कोई खा पाएगा? नमक बहुत जरूरी है, नमक ही स्वाद देता है। लेकिन फिर अगर मैंने 25 पैसे का नमक डाला तो इतना टेस्टी हो गया सब्जी, तो मैं अगर 10 रुपए का नमक डाल दूं तो महा टेस्टी हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। तो कोई भी सोचता है अगर मैंने अपनी पत्नी को 5 लाख दिए तो इतनी खुश होगी, 50 लाख तो और ज्यादा खुश होगी, पागल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। It's not like that. They don't want this. You misunderstand. That is not what they want. है ना? पैसा से नहीं होता है, है ना? तो हमें जानना चाहिए कि what is important level. उस पे focus करना चाहिए. What the point? तो जितना जरूरी हर चीज बैलेंस, रिलेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, there are so many aspects of life. सबको बैलेंस करके चलेंगे, then you will be happy in life. That's what the balance, balanced approach. Not only earning money, work. Balance भी fix है, लेकिन आप करते नहीं हैं. Because you are inspired by wrong people, ना? Natural भगवान ने balance ही बनाया. रात हो जाता है, रात बना दिया भगवान ने, तो आप सो जाओ जाके तो बैलेंस रहेगा. अब आप बल्ब जरा आ जाते हो. ये भगवान ने बल्ब नहीं तो नहीं बनाया ना, ये तो आपने बनाया, इंसान ने बनाया. तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि रात हो गया आप सोने जा चलो, है ना. इसलिए लेक्चर खत्म करके चलते हैं, लेट हो गया ना. यस ठीक है. हाँ जरूरत है ना, सब फिक्स है, सब फिक्स है, लेकिन चूज करना आपको है. आपके सामने प्रपोजल आएंगे, दोनों प्रकार के आएंगे, है ना. अब सामने आया, लेकिन अगर आप दुष्ट का संग करोगे तो आप डेबिट हो सकते हो. इंस्पिरेशन सब फिक्स है, सच्ची बात है कि सब फिक्स है, आप कुछ मत करो, है ना. तो इसलिए जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ फिक्स है और आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आप भक्ति करो, तो करो भक्ति. ये फिक्स है ना कि मैं बोल कि आपको भक्ति करना है, मैं बोल रहा हूँ भक्ति करो, तो आप करो ना भक्ति. तो आप नहीं करोगे बोलोगे प्रभु जी मेरा फिक्स नहीं था इसलिए मैं नहीं करूंगा. तो दैट्स अ फैक्ट, नहीं करने मत करो. ओके लास्ट क्वेश्चन. यस there is no doubt you have to set your goal, but see
इवन आफ्टर सेटिंग योर गोल यू डोंट बिकम अटैच टू दैट टू मच ओवर अटैच टू योर गोल. इट मे हैपन दैट आफ्टर दैट यू मे अटेन ऑल्सो बट डोंट बिकम टू पैशनेट टू मच दैट यू इग्नोर अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जस्ट ओनली गोल गोल गोल. जस्ट लाइक भक्ति में आ गए तो भक्ति करना है पर ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के केवल भक्ति में लग गए. अदर एस्पेक्ट्स भी हैं. अब कुकिंग नहीं करोगे और केवल माला करेंगे तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे है ना. तो बैलेंस. Yes. Like you said that you need not take stress for the things, but yeah. when you have to balance your personal and professional life, stress automatically comes. You don't have. So how to handle that? Whenever there is stress coming, means that you are in a something incompatible situation. You got the point? See, my presentation goal was not कि आज मैंने लेक्चर से बोल दिया तो कल से स्ट्रेस नहीं होगा. I was just explaining कि आज ह्यूमन सोसाइटी ने अपने आप को इस पोजीशन में रख दिया है. हम उस स्ट्रेस पे लेके आ गए हैं कि अब स्ट्रेस ही स्ट्रेस है चारों तरफ. अब अचानक कल से आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाओगे. I mean to say that, है ना. क्योंकि आपकी गाड़ी और 120 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और अचानक सामने जो है गड्ढा आ गया तो क्या करेंगी, मरना ही है आपको. आप ब्रेक भी नहीं लगा सकती. ब्रेक लगाएंगी तो भी गाड़ी उलटेगी, नहीं लगाएंगी तो भी गाड़ी उलटेगी. इट्स टू लेट टू रियलाइज दैट देयर इज होल. यू गॉट द पॉइंट. सो अब क्या करना है इस सिचुएशन, व्हाट बेस्ट कैन बी डन. बेस्ट कैन बी डन इज दैट एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगा के भक्ति कीजिए, जितना भी टाइम निकल सकता है ना, लाइक दैट. अब पूरा तो चीज सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते ना एक दिन में, है ना. तो उसी जो जहाँ भी है वहीं पे रहिए. थोड़ा स्ट्रेस रहेगा लेकिन उस स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा अगर हम अपने जीवन में भक्ति लेकर आएंगे तो. ज्ञान चक्षु हमारा रहेगा तो उतना स्ट्रेस नहीं होगा. सिंपल एग्जांपल है ना. जब आप समझ जाओगी कोई ज्ञान आ जाएगा तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि अभी भक्ति में आप परिपक्व नहीं हुई. आप परिपक्व हो जाएगी कोई स्ट्रेस नहीं होगा. धीरे धीरे ग्रेजुअली, है ना. कितना भी बड़ा डेंजर रहेगा आपको स्ट्रेस इतना नहीं होगा. आप उसको आसानी से मुस्कुराओगी. भगवान राम देखो, उनका राज्याभिषेक का तैयार है तब मुस्कुरा रहे थे और अगले दिन बन जाना था, वो मुस्कुराते हुए गए, कोई स्ट्रेस नहीं था, है ना. हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसको स्वीकार करना, दैट्स ऑल. भगवान का स्मरण करना. Okay, we'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. तुझे बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे. तुझे भी इतना एक मात्र डेढ़ घंटे में बहुत अच्छे से हमें पूरा जीवन भर क्या करना है वो बता दिया. तो हरे कृष्णा बोलेंगे और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.